आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कैब एग्रीगेट्स और डिलीवरी सेवा प्रदान करने वालों को नियमों के तहत लाने की नीति में मसौदे को मंजूरी दे दी है। मसौदे को मंजूरी मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम 2023 के तहत दी गई है। इसकी फाइल उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भी भेज दी गई है। वहां से अनुमति मिलने के बाद परिवहन विभाग दिल्ली वासियों से उनके सुझाव लेगा और इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे ओला उबर जैसी टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों पर नकेल कसी जा सकेगी। वहीं कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता को 1 अप्रैल 2030 तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य हो जाएगा। इसके तहत ही दिल्ली में रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।